नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी केड़ा चैनल में। और ये नेक्स्ट वीडियो है मोवी का। और लास्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि जितने भी कंट्रोल्स हैं उनके कमांड कैसे हैं, जैसे कि बटन क्लिक हुआ या चेक चेंज्ड हुआ या वैल्यू चेंज्ड हुआ, वो सभी देखेंगे देखे हैं। अब हम लोग इसमें इनपुट कंट्रोल्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि एंट्री कंट्रोल है, एक इनपुट कंट्रोल है आप लोगों का, और आप लोगों का जो एडिटर कंट्रोल है वो भी एक इनपुट कंट्रोल है। तो डिफरेंट टाइप के जो इनपुट कंट्रोल्स हैं उनके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे, जैसे कि डेट पिकर हो गया, टाइम पिकर हो गया, ये सभी जो हैं वो एक प्रकार के इनपुट कंट्रोल हैं और उन्हें कैसे काम में लेते हैं मूवी के अंदर प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो भी आज हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप लोग हर चीज़ को समझें बारीकी से। और एक बार के लिए मैं सभी चीज़ें जो है वो ओवरव्यू जो है वो उनका बता रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग एक प्रोजेक्ट पर भी चलेंगे मूवी के अंदर, ताकि आप लोग सीख सकें। सबसे पहले बात करते हैं चेकबॉक्स की। तो उसकी एक प्रॉपर्टी आती है इज चेक्ड। इज चेक्ड का मतलब है वो चेक है या नहीं है। अगर वो ट्रू है तो वो उसका मतलब है कि वो चेक है। तो ये हो गया चेकबॉक्स आप लोगों के लिए। दूसरा आता है आप लोगों के पास स्लाइडर कंट्रोल। स्लाइडर में हम लोग जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट करते हैं और स्लाइड करते हैं उस पॉइंट को पकड़कर। ठीक है, तो स्लाइडर का हम लोग ले लेते हैं एक्स नेम स्लाइडर वन, और मिनिमम वैल्यू हम लोग दे देते हैं 0, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग दे देते हैं 10। तो 0 से लेके 10 तक की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है इन पॉइंट्स आप लोगों को वो शो करता है जब हम लोग स्लाइडर को स्लाइड करते हैं। ठीक है, जो ट्रैकर होता है उसका भी कलर हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि मिनिमम ट्रैकर कलर जो है वो रेड हो और मैक्सिमम ट्रैकर कलर जो है वो ग्रीन हो। तो मतलब मिनिमम से जब हम लोग मैक्सिमम की ओर जाते हैं तो उसका कलर जो है रेड से ग्रीन होता हुआ जाएगा। तो हम लोगों ने मिनिमम जो है ट्रैकर कलर दे दिया रेड, और मैक्सिमम जो ट्रैकर कलर है वो हम लोगों ने दे दिया ग्रीन। ठीक है, जो थंब कलर है, जो पॉइंट आता है उसका जो कलर है वो क्या हम लोगों ने दे दिया, उसका कलर भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने उसका कलर दे दिया ब्लू। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। उसका कलर भी हम लोगों ने क्या दे दिया, ब्लू। वैल्यू चेंज्ड का मतलब है स्लाइडर वन अंडरस्कोर वैल्यू चेंज्ड, उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग समझ में आ गई होगी आप लोगों को। वैल्यू चेंज्ड का मतलब है जब हम लोग स्लाइडर को स्लाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज्ड होगी। ठीक है, तो ये इवेंट हो गया आप लोगों का स्लाइडर का, और इसके कोड बिहाइंड में जाकर हम लोग जो है स्लाइडर वन डॉट वैल्यू चेंज्ड इवेंट को हम लोग कॉल करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए स्लाइडर वन अंडरस्कोर वैल्यू चेंज्ड इवेंट है, और इसको हम लोगों को कॉल करना है, और इस पर हम लोगों को क्या करना है, एक लेबल दिखाना है, और उस लेबल पर रिजल्ट जो है वो शो करना है। तो स्लाइडर वन की जो वैल्यू है वो हम लोगों को शो करनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया एक लेबल, और उसकी जो वैल्यू है एक्स नेम रिजल्ट स्लाइडर, वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन आप लोगों के लिए क्या होगा, रिजल्ट स्लाइडर डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, आप लोग यहां पर डाल सकते हैं स्लाइडर वन डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। तो जो स्लाइडर की जो वैल्यू है वो आप लोगों ने यहां पर क्या डाल दी है, जो किस में डाल दिया आप लोगों ने, रिजल्ट स्लाइडर के अंदर, यानी कि टेक्स्ट के अंदर, यानी कि लेबल के अंदर। ठीक है, तो जब हम लोग स्लाइड करेंगे तो देखिए यहां पर आप लोगों की जो लेबल की जो वैल्यूज है वो 0 से 10 के इन बिटवीन जो है वो वेरी कर रही हैं, और आप लोगों का कलर जो है वो रेड से देखिए ग्रीन है उस साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आप लोगों का रेड रहेगा और राइट साइड में आप लोगों का ग्रीन रहेगा। इनफ। अब नेक्स्ट में आप लोगों के पास क्या है, स्लाइडर हो गया। अब स्टैप जो है, स्टैपर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी होता है, जैसे कि माइनस एक बटन होता है और प्लस एक बटन होता है, तो हम लोगों को स्टैपर भी यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि क्वांटिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लेंगे, कितनी क्वांटिटी तक हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसमें वैल्यू है, वैल्यू चेंज्ड इवेंट स्टैपर में भी लगता है, और साथ ही इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी इसमें दी जाती है। लेकिन स्लाइडर में तो स्लाइड होता है, ट्रैक जो होता है, थंब कलर जो होता है, ट्रैकर जो होता है वो एक्चुअली में बॉल सी होती है, उसको हम लोगों को स्लाइड करना होता है। स्टैपर में बटन्स होते हैं प्लस और माइनस का, और जितने से इंक्रीमेंट हम लोग करना चाहते हैं उतने से हम लोग इंक्रीमेंट उसे कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम हम लोग क्या लेते हैं, एक ही इंक्रीमेंट हम लोग लेते हैं, 1/1 इंक्रीमेंट हो। मैक्सिमम जो है वो 10 हो गया, मिनिमम 1 हो गया। तो इसका भी जो रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो ये बटन जैसा आता है आप लोगों का, माइनस एंड प्लस, और इस पर इवेंट अगर आप लोगों को कॉल करना है तो जैसे कि हम लोगों ने वैल्यू चेंज इवेंट कॉल किया है वैसे ही इस पर भी वैल्यू चेंज इवेंट ही कॉल होता है, और सिमिलरली आप लोगों के स्लाइडर जैसे काम करता है वैसे ही स्टैपर भी काम करता है।
तो आई होप आप लोगों को धीरे धीरे करके सब समझ में आ जाएगा जब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। और प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली में क्या होगा, आप लोगों का एक अच्छा सा प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे ताकि इनमें ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रोल्स हों वो हम लोग काम में ले लें। बहुत सारे कमेंट जो है मुझे मिलते हैं और मुझे बताया जाता है कि सर हम लोग बिगिनर हैं और हम लोगों को सीखना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स देते हैं बेसिक्स के ताकि आप लोगों को आदत हो उस चीज़ से रिलेटेड। उसके बाद में हम लोग एक प्रोजेक्ट पर ले आते हैं और उसके बाद में हम लोग असाइनमेंट भी देते हैं। तो अगर आप लोग ज्वाइन बटन क्लिक करके चेक करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स के वीडियोस हैं जो आप लोगों को मिलेंगे। और ज्वाइन बटन में आप लोगों को कोड भी मिल जाता है, ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो यूट्यूब चैनल है हमारा उस पर एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करके आप लोग जो है कोड को भी गेट कर सकते हैं। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनके सबके कोड आप लोगों को मिल जाएगा ताकि आप लोग आसानी से उन चीज़ों को सीख सकें। तो मैंने स्विच लगाया है, इट्स टॉगल इक्वल्स टू ट्रू लिखा है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक स्विच जो है, जैसे कि हम लोग ऑन और ऑफ करते हैं किसी भी सर्विस को, तो वैसा आप लोगों को आउटपुट अगर चाहिए तो आप लोग स्विच यूज करेंगे और इट्स टॉगल इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे तो ये देखिए टॉगल करने लग जाएगा एक बटन ऑन और ऑफ की कंडीशन के अंदर। ठीक है, चलो चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट में आप लोगों के पास आता है डेट पिकर कंट्रोल। तो डेट पिकर जो है वो भी एक एंट्री है और टाइम पिकर जो है वो भी एक एंट्री है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इनपुट कंट्रोल्स हैं और उन पर जो है ठीक है। तो यहां पर देखिए ये डेट पिकर हो गया, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डेट इस फॉर्मेट में आप लोगों के पास आ जाएगा, उसमें से कोई भी सेलेक्ट करके आप लोग ओके पर क्लिक कर सकते हैं। सिमिलरली आप लोगों के पास टाइम कंट्रोल भी आ जाएगा, इस प्रकार आप लोग टाइम भी मैनेज कर सकते हैं, जो भी आप लोग मैनेज करें वो टाइम भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के पास डेट पिकर एंड टाइम पिकर कंट्रोल। एंड द नेक्स्ट वन हम लोग लेते हैं एंट्री कंट्रोल। जैसे कि मैंने बोला था कि इनपुट कंट्रोल्स हैं सारे के सारे ही, तो हम लोगों को लेने हैं एंट्री कंट्रोल। एंट्री में हम लोग मैन्युअली लिखते हैं, तो रन टाइम पर जो वैल्यूज हम लोगों को लिखनी होती हैं, जिसमें इसको हम एंट्री और एडिटर कंट्रोल को हम लोग एडिटर कंट्रोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि रन टाइम पे हम लोग वैल्यू को एडिट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि एंट्री में हम लोगों ने एक्स नेम ले लिया ताकि हम लोग इसको कोड बिहाइंड फाइल में यूज कर सके। प्लेस होल्डर ले लिया, एंटर यूजर नेम, प्लेस होल्डर जो है वो हम लोगों ने रेड कलर का ले लिया। इसका मतलब है प्लेस होल्डर कलर का जो है, मतलब अगर आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे तो प्लेस होल्डर एज इट इज उसमें आप लोगों को दिखाई देगा। एंटर यूजर नेम, प्लेस होल्डर उसका जो कलर है एंटर यूजर नेम उसका रेड कलर आप लोगों को दिखाई देगा। इस पासवर्ड ट्रू है तो इसका मतलब है कि आप लोगों को वो पासवर्ड फॉर्मेट में दिखाई देगा। कीबोर्ड न्यूमेरिक ही आप लोगों के पास आएगा, स्पेसिफिक कीबोर्ड आएगा आप लोगों के पास। टेक्स्ट चेंज इवेंट है, टेक्स्ट चेंज का मतलब है जब आप लोग उस पर लिखेंगे तो वो कॉल होगा और वन हर एक करेक्टर के ऊपर वो कॉल होगा। टेक्स्ट चेंज का मतलब क्या होता है, हर एक करेक्टर के ऊपर कॉल होना। कंप्लीटेड का मतलब है जब आप लोग फिनिश कर देंगे, लिखना बंद कर देंगे तो आप लोगों का कंप्लीटेड कॉल हो जाएगा। तो ये दोनों इवेंट ही आप लोगों को समझने हैं एंट्री के अंदर कि टेक्स्ट चेंज क्या होता है। टेक्स्ट चेंज का मतलब है हर एक करेक्टर के बाद जब आप लोग की रिलीज कर देते हैं तो टेक्स्ट चेंज इवेंट कॉल हो जाता है, और जब आप लोग कंप्लीट लिखना बंद कर देते हैं तो वो कंप्लीटेड आप लोगों का कॉल हो जाता है। तो इस ये दोनों ही इवेंट आप लोगों के काम में है। तो हम लोग कंसोल विंडो में इस चीज़ को प्रिंट करवाना चाहेंगे ताकि आप लोग जो है आसानी से इस चीज़ को आसानी से समझ सकें और इसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए डिबग डॉट राइट लाइन हम लोग कर सकते हैं, जो कि सिस्टम डॉट डायग्नोसिस जो नेम स्पेस है उसमें आता है। आप लोग कंट्रोल डॉट की जब प्रेस करेंगे तो ये चीज़ आसानी से गेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये चीज़ आप लोग समझ रहे हैं और आगे भी चलकर आप लोग समझेंगे इस चीज़ को कि डिबग डॉट राइट लाइन में हम लोग जो है कंसोल विंडो के अंदर जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग कंसोल विंडो में वो चीज़ें सारी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंटर यूजर नेम आया और यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने लिखा तो 1 2 3 वगैरह वगैरह आप लोगों के पास आ गया है, क्योंकि न्यूमेरिक कीबोर्ड ही हम लोगों ने यहाँ पर काम में लिया है। नेक्स्ट में ये पासवर्ड टाइप था तो इस पासवर्ड को मैंने ट्रू कर रखा था, और जब ये राइट कर रहे थे तो देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ये कंसोल विंडो में एज ए एरे जो है वो प्रिंट होने लगता है हर एक करेक्टर। सिमिलर यही कोड अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं तो वो एक साथ प्रिंट कर देगा
जो आप लोगों का था, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि आप लोग खुद भी करके देखें इस चीज़ को कि वो एक साथ प्रिंट करता है या नहीं करता है, कितने बाई कितने पर प्रिंट करता है, कितने सेकंड में प्रिंट करता है, कितना एरे बनाता है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर चेक करें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंट्रोल है वो है एडिटर कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल और एडिटर कंट्रोल में अंतर यही है कि हम लोगों को मल्टी लाइन अगर यूज़ करना हो तो हम लोग एडिटर कंट्रोल यूज़ करते हैं, और एडिटर कंट्रोल में हम लोग जो साइज़ है उसे ऑटो कर देते हैं। तो उसका मतलब यही होता है कि हम लोग जब भी लिखते हैं और वो बाउंड्री के टच होकर जब रैप हो जाता है कंटेंट तो वो नीचे आ जाता है बस। तो इसमें हम लोग एडिटर कंट्रोल यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, और आई होप आप लोगों को मयूवी में इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का है, और आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो इस चैनल के जरिए पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।